दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। हमारे कैमरे के पीछे हैं मुन्ना। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर, नालंदा और पावापुरी का भ्रमण करने के लिए नालंदा आते हैं और नालंदा जिले के सिलाव की स्वाद को अगर नहीं चखते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलाव का विश्व प्रसिद्ध खाजा मिठाई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है, उसका स्वाद चखना आपके लिए अति आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसे GI टैग भी प्राप्त है। जी हाँ, GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसे हिंदी में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कहते हैं और भारत सरकार के द्वारा श्री काली शाह खाजा दुकान को यह प्रमाण पत्र मिला है। आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो श्री काली शाह दुकान है और हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खाजा का निर्माण होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाजा की किस तरह से मांग हो रही है। और अगर आप भी नालंदा घूमने के लिए आते हैं, नालंदा परिभ्रमण के लिए आते हैं, राजगीर घूमने आते हैं, नालंदा घूमने आते हैं, विश्व विरासत को देखने आते हैं, पावापुरी को देखने आते हैं, तो आप सिलाव जरूर आइएगा क्योंकि सिलाव की खाजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिलाव में खाजा का निर्माण कराया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम। अच्छा, मेरा नाम रिंकू कुमार है। रिंकू जी, जी किस तरह से खाजा बनाते हैं? खाजा तो इस तरह मैदे का बनाते हैं। मैदा से बनता है जी। किस किस चीज में इसको ये करते हैं, छानते हैं? मैदा केवल हम लोग पानी में छानते, जो हाँ लेप जो बनाते हैं ना, मैदे और डालडा का मिला के लेप बनता है और उसका हम लोग रोल करते हैं मैदे को। मैदे को रोल करने के बाद में इस तरह बेलते हैं, उसके बाद कढ़ाई में डालते हैं तो खिल जाता है। शुद्ध घी का भी बनता है? हाँ, शुद्ध घी का भी बनता है। किस किस प्रकार का खाजा होता है? नमकीन, शुद्ध घी का बनता है, मीठा खाजा, नमकीन खाजा और सादा खाजा भी हम लोग बेचते हैं। सादा खाजा भी मांगते हैं लोग, सादा खाजा। क्या पहचान बनी है खाजा की? खाजा में तो बहुत अच्छा पहचान है, यहाँ का मशहूर है सिलाव का स्वादिष्ट। कहाँ ये खाजा जाता? खाजा तो हम लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं, हम लोग का लंदन पेरिस सब भी बुकिंग होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं कि किस तरह से इधर निर्माण हो रहा है। इधर देखिए कारीगर हैं, कारीगर जो है वो किस तरह से खाजा निर्माण कर रहे हैं। उधर सारी चीज़ें हो रही हैं, उधर एक लावा है खाजा को निर्माण कर रहे हैं और इस खाजा के स्वाद की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। ये खाजा बनाने के लिए मॉरिशस गए थे, ठीक है, मॉरिशस में राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, इसीलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय ये मॉरिशस में अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है मुझे। GI टैग भी मिला? हाँ, खाजा को हाल में GI टैग भी मुझे मिला है। किस किस प्रकार के खाजा का निर्माण करते हैं? मेरे पास है नमकीन खाजा है, मीठा खाजा है और हल्का मीठा है, शुद्ध घी का खाजा है। ऑनलाइन भी ऑर्डर? ऑनलाइन भी है, मेरा ऐप बना हुआ श्री काली शाह खाजा, खोलिए, पूरे वर्ल्ड में खाजा पूरे वर्ल्ड है और पूरे बिहार है, पूरे इंडिया है, सब जगह हम सप्लाई देते हैं। हाँ, सभी को भी खाया, जहाँ जहाँ जाता खाया सब लाइक करता है और एक से एक बॉलीवुड को भी खाया दिया। हाल में आपको अमित शाह को भी खाया गया कलकत्ता बन के देसी घी में, वो भी बहुत तारीफ किए खाया को। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार झा। कहाँ के हैं? हाजीपुर। हाजीपुर से हम सबका घर पर जाता है, वही मनार 30 किलोमीटर दूर है। राजगीर घूमने आए थे? हाँ, जब आते हैं तो आते हैं। हाँ, कब से खाजा खा रहे हैं? लगभग हम अपने यानी 5-6 साल से आ रहे हैं तो यहाँ आते रहते हैं, रेगुलर खाते हैं खाजा। हाँ, जब यहाँ पे आते हैं। खाजा मशहूर है उधर? बिल्कुल, और खास के ये काली शाह के नाम से। इसके इसकी मिठास को किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, एक्चुअली हम सब ज़्यादातर नमकीन ही खाते हैं, मीठा वाला उतना नहीं खाते हैं। अच्छा, मीठा स्वाद? स्वाद तो बहुत अच्छा रहता है, तभी तो यहाँ आते हैं, अगर स्वाद सही नहीं रहेगा तो फिर क्यों आएंगे? हाँ, वही बात समझ लीजिए कि अगर जैसे कहीं कोई मंदिर में जाते हैं बिना प्रसाद नहीं जाते हैं घर में, तो वही बात हो गई, जैसे एक तरह का ये मंदिर हो गया, यहाँ पे आते हैं तो ये चीज़ लेना एक
अनिवार्य हो जाता है और सबको अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा रहता है। तो सब अपना आप थोड़ा सा, वैसे रेगुलर तो कोई आता नहीं है, जब आए तो एक बार खा लेते। ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा रहा है? हाँ तो फिलहाल, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे तो ले लिए, नहीं तो ऑनलाइन तो हम सब चालू होगा ही। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सूरज कुमार हुआ। बहुत खाजा खरीद रहे हैं, करीब 5 किलो से अधिक आप खरीद रहे हैं? हाँ सर, ले रहे हैं तो बाहर भेजना है, दिल्ली जाएगी खाजा। अच्छा, इसके स्वाद की इतनी महक दूर दूर तक क्यों जा रही है? बढ़िया है खाजा, इसलिए जाती है, बराबर जाते हैं लेकर के, दिल्ली जाती है, बॉम्बे जाती है, कलकत्ता जाती है। आप मूल रूप से कहाँ के? हम मूल रूप से बिहार शरीफ रहने वाले हैं। अपने परिवार? मेरे मित्र है, परिवार है, उनको भेजते हैं। तो आपकी बहुत सराहना होती होगी मित्र के यहाँ? हाँ, वो डिमांड करते हैं कि हमारा जो है भाई जो भेजा जाए मेरे लिए यहाँ, तुम खाजा नहीं भेज रहे हो यार। आपको क्या लगता है कि भाई हम इसी नालंदा के हैं जहाँ का खाजा है? हाँ, तो गर्व तो होता है। तो हम आपको खाजा नगरी सिलाव के बारे में बता रहे थे, जहाँ के खाजा का स्वाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना चुकी है। तो आप भी अगर नालंदा परिभ्रमण पर आइए तो सिलाव के खाजा का स्वाद जरूर चखिए। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।